हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट नेटवर्क। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बहुत सारे लोग बार बार कमेंट करते हैं कि ये जो तीन नोटिस आई है बेल्ट्रॉन की तरफ से, बेल्ट्रॉन की ऑफिशियल वेबसाइट में तीन नोटिस आई थी फ्रेंड्स। वो नोटिस है फ्रेंड्स कि खारिजन डाटा एंट्री ऑपरेटर, जैसे कि इस नोटिस को आप देख सकते हैं। ये जो नोटिस है फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि इच्छुक रजिस्टर स्टेनोग्राफर आसुलिपी के लिए यहाँ पे एमसीक्यू की परीक्षा ली जाएगी। तो इस तरह की तीन नोटिस आई थी फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहला नोटिस था कि डाटा एंट्री ऑपरेटर कारियर डाटा एंट्री ऑपरेटर के सीबीटी एग्जाम हेतु, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामर के लिए, कारियर प्रोग्रामर के लिए यहाँ पे जो है सीबीटी परीक्षा हेतु, ठीक है, परीक्षा आयोजित की जाती है। तो इस तरह की तीन नोटिस आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो तीन नोटिस जो है इसकी क्या रियल जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि न्यू वैकेंसी आई है, ठीक है, और बहुत सारे लोग के मन में ये भी डाउट है कि क्या जो सीबीटी क्वालिफाई कर चुका है, दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, बेल्ट्रॉन के पैनल में आ चुके हैं, क्या उन लोगों को भी ये एग्जाम देना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप ये पूरी वीडियो देखना, आपके सारे मन में जो भी डाउट्स हैं सारे कि मैं आज इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि ये जो है ये ऑनलाइन बेल्ट्रॉन के वेबसाइट में आपको देखने को मिलेगा इस तरह के तीन नोटिस। ये पहला नोटिस है जिसमें कहा गया है कि बेल्ट्रॉन के माध्यम संविदा पर कार्यरत यानी जो कार्य कर रहे हैं इच्छुक रजिस्टर्ड स्टेनोग्राफर आसुलिपी अभ्यर्थियों की कंप्यूटर आधारित दक्षता परीक्षा की सूचना, ठीक है, यानी कि दक्षता परीक्षा एमसीक्यू ली जाएगी। तो पहला नोटिस था कि कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पे एमसीक्यू लिया जाएगा परीक्षा, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामर के लिए भी एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर यानी आसुलिपी के लिए यहाँ पे एग्जाम की बात कही जा रही है। तो ये किन अभ्यर्थियों के लिए ये नोटिस जारी किया गया है, और ऑफलाइन के माध्यम से आप दिखेंगे तो इस तरह की नोटिस भी आपको दिखेगी, ठीक है। तो ऑफलाइन के माध्यम से आपको पेपर कटिंग में ये भी देखने को मिलेगा, ठीक है, कारियर डाटा एंट्री ऑपरेटर के चतुर्थ सीबीटी परीक्षा है तो सूचना। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो लोग सीबीटी में असफल रहे हैं उन लोगों के लिए फिर से मौका मिला है, ठीक है, उन लोगों को फिर से परीक्षा देने के लिए एक जो है कह सकते हैं कि उन लोगों को मौका मिला है, ठीक है। चतुर्थ सीबीटी का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे जो जिन लोगों की यहाँ पे जो बेल्ट्रॉन के थ्रू बहाल किए गए हैं, जो 10 वर्षों से कार्यरत हैं किसी विभाग में कार्यरत हैं, ठीक है, कार्य कर रहे हैं 10 वर्षों से, तो बेल्ट्रॉन के नियम अनुसार यहाँ पे हर 10 वर्ष बाद एक बार सीबीटी परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें असफल अभ्यर्थी को कार्य से नहीं निकाला जाता है, ठीक है, वो कार्य करते ही हैं, ठीक है। जो सफल हो जाते हैं उन लोगों का जो है सैलरी में इंक्रीज देखने को मिलता है, और जो असफल रहते हैं उन लोगों का सैलरी वही रहती है, ठीक है, जो करंट उन लोगों को मिल रही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो बात यही मिल के आ रही है फ्रेंड्स कि जितने भी कार्य डाटा एंट्री ऑपरेटर है, स्टेनोग्राफर है, प्रोग्रामर है, उन लोगों का चतुर्थ सीबीटी यानी कि चौथा बार उन लोगों का एग्जाम लिया जाता है, चौथा बार उन लोगों को मौका मिल रहा है कि आप लोगों को सैलरी इंक्रीज करना है तो चौथी बार आप एग्जाम दे के आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उन लोगों को मौका मिला है। तो उसी के लिए ये जो नोटिस है वो जारी किया गया फ्रेंड्स, तो ठीक है। तो तीन प्रकार के यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, तीन पोस्टों के लिए यहाँ पे जो है आपको नोटिस देखने को मिलेगा। तो इस तरह के तीन नोटिस आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बार बार कमेंट्स करते हैं कि क्या न्यू वैकेंसी आई, तो न्यू वैकेंसी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो है 10 वर्ष तक जो लोग काम कार्यरत हैं विभाग में, किसी विभाग में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए यहाँ पे है जो सैलरी इंक्रीज के लिए यहाँ पे जो एग्जाम लिया जाता है, हर 10 वर्षों में लिया जाता है बेल्ट्रॉन के कर्मी के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये जो है आप यहाँ पे दिनांक देख सकते हैं, यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी कब होगा सारे से यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा तो 16 अक्टूबर को यहाँ पे जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिएगा, बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट में जारी कर दिया जाएगा जहाँ से आप उपलब्ध कर सकते हैं, ठीक है, और आप एग्जाम दे सकते हैं।
तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि जिन लोगों में से कोई अगर असफल रहे इस सीबीटी एग्जाम में, उन लोगों को गार्डियन से मुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, जो सफल हो जाएंगे उन लोग का जो सैलरी में इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी पता थी फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी पता नहीं था, तो इसलिए मैं सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो बेल्टन के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको और एक नोटिस देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, कि उर्मिला का जो है एड्रेस चेंज हो चुका है, आप इस नोटिस में देख सकते हैं, ठीक है। बेल्टन का ऑफिशियल जो अब एड्रेस रहा ये है, ठीक है। कुछ बहुत सारे लोग यहाँ पे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं पटना जाने के बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, बेल्टन ने खुद यहाँ बता दिया है कि उर्मिला का जो है एड्रेस चेंज हो चुका है, हम लोग आप लोगों को अब बार बार ढूंढने का कोई जरूरी नहीं है, आप इस तरह यहाँ पे लोकेशन देख के उर्मिला ऑफिस जा सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट लेटर जो है इजीली वहाँ से ले सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है एजेंसी को भी प्रोवाइड कर दिया गया है सीबीटी एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम बेल्टन तो करवाती है लेकिन उसके लिए एजेंसी हायर करती है, जिसके लिए वो एजेंसी को बुलाती है एग्जाम के लिए। एक एजेंसी होती है फ्रेंड्स जो एग्जाम के लिए बेहतर मानी जाती है, उसी को यहाँ पे जो है टेंडर दिया जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें फ्रेंड्स समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड्स, आपको इस तरह की वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ अगर चैनल पर फ्रेंड्स नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस लाते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। Click here to subscribe.